अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। मैं उसके बाद आमंत्रित कर रहा हूँ वो व्यक्तित्व है जिन्होंने ये स्वागत और अभिनंदन हमारे देवास की बिटिया रागनी रागनी अभिनंदन के साथ शब्द समान से स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। जैसी हिंदी है वैसी आपकी भी हिंदी है और आपके शब्द हृदय की गहराई तक। शहर के वरिष्ठ नागरिक एवं उपस्थित सभी नागरिकगण लेते हैं कि आने वाले निर्वाचन में हम एवं हमारे सभी साथियों से मतदान का उपयोग कराएंगे। जय हिंद जय भारत। हाँ दादा बताइए, आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया, कितने वर्षों से किया जाता है? सर्वप्रथम हमारे यहाँ 80 वर्ष के जो हमारे सदस्य घरों में से हमने इनको किया था, उनका हमने शाल श्रीफल और माला से हमने सम्मान किया और शासन के निर्देश के अनुसार हमने मतदान के लिए भी EVM मशीन मंगवा कर उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करके भी हमारे सभी साथियों को बताया एवं शासन के द्वारा सम्मानित जिलाधीश महोदय के द्वारा निर्देशित थे कि सभी आए हुए साथियों को मतदान करने की शपथ भी दिलाई जाए, वह कार्य भी संस्था के द्वारा संपादित किया गया। आज का ये विशेष कार्यक्रम हमारे सम्मानीय शहर के नागरिकगण और विशेष रूप से एक न्यायिक हमारी अग्रवाल मैडम ADM साहब और हमारी उपसंचालक सामाजिक न्याय की वे विशेष रूप से हमारे यहाँ उपस्थित रहीं और देवास जिले के महापौर जिला अपने प्राधिकरण के अध्यक्ष शहर अध्यक्ष BJP एवं अन्य सभी जनप्रतिनिधि आए थे और उनके द्वारा इस कार्यक्रम को सहभागिता किया गया। कितने वर्षों से कार्यक्रम जाता और आप कैसे अलग अलग गतिविधियां? ये संस्था 27 वर्ष से करीब करीब संचालित है, विभिन्न चीज़ें हमारे यहाँ संचालित की जा रही है। हमारे यहाँ एक विशेषकर फिजियोथेरेपी सेंटर चलाया जाता है जिनमें वरिष्ठों के लिए हम 80 रुपये में उन्हें फिजियोथेरेपी करते हैं और सामान्य के लिए 100 रुपये में, जबकि मार्केट में 250 रुपये 300 रुपये के आसपास उस फिजियोथेरेपी का लगता है। अभी हमारे यहाँ 800 के आसपास सदस्य हैं, किंतु अब श्राद्ध का पर्व चल रहा है, हमने सभी से अनुनय विनय किया था किंतु अति विशेष लोग मतलब सभी लोग पधारें। गंगा सिंह सोलंकी, संचालक वरिष्ठ नागरिक संस्था देवास, पेंशन संघ अध्यक्ष देवास।